अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज हम बना रहे हैं आपके लिए मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल मखनी माश की दाल। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं बड़े लजीज सी टेस्टी से स्टाइल न्यू स्टाइल से मैं लेके आ रही हूँ। चलिए सबसे पहले आपने ना, चलिए हम शुरू करते, साथ साथ बातें करते रहेंगे। ये 3 चम्मच ऑयल के डाल लें, ठीक है। और इसमें आपने ना 2 चम्मच आपने ना माश की दाल में ना लहसुन अदरक का ज़रा पेस्ट ना ज़्यादा डाल दें, क्योंकि ज़रा ये होती है ना ऐसी। उसके साथ ही ना जो ही आपने लहसुन डालेंगे ना, इसमें ना आपने ना 5 अदद ना सुरख लाल मिर्च ना गोल वाली, और 3 अदद ना हरी मिर्चें कटिंग करके वो डाल दें। ये जब कड़कड़ाने लग जाएंगी ना, ठीक है, तो उसके साथ ही ना फिर बाकी चीज़ें डालनी शुरू करते हैं। ये मैंने ना 3 अदद टमाटर की ना पेस्ट बना के रखी है, ठीक है। आपने जो ही वो मिर्चें वगैरह कटकाएंगी ना, तो आपने ना ये पेस्ट ऐड कर देनी है, ठीक है। साथ ही आपने ना ये सूखा धनिया 2 चम्मच, ठीक है, क्योंकि दाल मेरी माशाल्लाह काफ़ी है। मैं आपको दाल बताती हूँ, 2 चम्मच सुरख मिर्च के, 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच हल्दी का, ये आपने इसके अंदर ऐड कर दिया है। मैं आपको बताती हूँ, ये दाल को मैंने भिगो के रखा हुआ, दाल को मैंने बॉयल करना है, नमक डाल के ना उसको बॉयल करना है, तो वो अभी मैंने भिगोई है। अभी मैं बॉयल करके ना फिर उसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो ये मैंने कहा पहले मसाले की तैयारी बता दूँ आपको, ठीक है। साथ ही जो ही आपने ये इसका पेस्ट डालना है ना, तो साथ ही दही को भी आपने ना बीट करके डाल देना। अब इसके अंदर ना साथ ही आपने दही भी ऐड कर देना। दही ऐड करने के बाद ढक्कन रखें, ताकि इसके ना जल्दी से इसका ना दही का पानी और टमाटर का पेस्ट ना खुशक होगी ना, फिर मैं आपको दिखा दूँ। ना हमने पानी में नमक 2 चम्मच नमक मैंने डाला और हल्दी डाली, उसमें मैंने ना जो ही वो जोश आया तो मैंने दाल को ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। दाल को हमने बॉयल करना है, बॉयल करके दाल को डालना है, और कोशिश करनी दाल सही तरह गली हो, ज़रा सी तकरीबन 99% कसर रह जाए, इतनी ज़्यादा ना हो। क्योंकि ज़्यादा अगर हम कच्ची रखेंगे ना, तो उसमें ना टमाटर के पेस्ट में सख्त हो जाएगी, ठीक है। ये 2-4 चीज़ें पॉइंट है जो आपने नोट आउट रखनी है, दाल को ज़रा सही तरह गला होना चाहिए। दाल गल गई है, दाल के आपको मैं ना स्टेज पे दिखाती हूँ कि इतना दाना कच्चा होना चाहिए, ठीक है। देखिए दाल से साथ ना मसाले में मिक्स करने के बाद ना आपने इसको दम दे देना है, ठीक है। दाल बस मसाला रच जाए इसके अंदर, तो फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये मैंने डिश आउट कर दिया दाल मखनी, तो माश की दाल की ये देखिए खूबसूरत सी गार्निश करके आपको मैंने पेश की है। भेजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।